सर, ओके यस सर। ओके इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। ओके, सो व्हाट इज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट इज व्हाट? इट्स अ थ्योरी, इट्स अ थ्योरी गिवन बाय अल्फ्रेड वैगनर, है ना? ये थ्योरी है और किसके द्वारा दिया गया है? अल्फ्रेड वैगनर के द्वारा दिया गया। अब ये थ्योरी क्या है, इसको समझने से पहले हम लोग देखेंगे कि भैया थ्योरी दिया क्यों गया, है ना? आप ऐसे समझिए, जब आप अटलांटिक ओशन को देख पा रहे हैं, तो अटलांटिक ओशन में जब आप नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को देखते हैं, और जब आप उसी के आगे यूरोप और अफ्रीका को देखते हैं, तो आप ये पाएंगे कि जो इसका जो शोर लाइन है, यानी कि तटीय किनारा जो है, तो उत्तर अमेरिका का पूर्वी तट है ना, उत्तर अमेरिका का जो पूर्वी तट है और दक्षिणी अमेरिका का जो पूर्वी तट है ना, तो वो लगभग लगभग उसका जो किनारा है वो मेल खाता है किससे? अफ्रीका के वेस्टर्न किनारे से। इसको अगर आप जोड़ दें तो ऐसा लगेगा कि नहीं, ये जिग ये फिट हो जाएगा। दोनों के किनारे को अगर जोड़ेंगे, आप देख पा रहे होंगे ये नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका को अगर अफ्रीका से आप मिलाना चाहेंगे तो आराम से दोनों का किनारा मिल जाए, है ना? तो बेसिकली ये कहा गया कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में कि ये जो कॉन्टिनेंटल मास है, ये पहले जैसे अभी आप देख पा रहे हैं, जैसा अभी का मैप है, ये पहले ऐसा नहीं था। ये कैसा था? अकॉर्डिंग टू वैगनर ये कैसा था? ये एक ही कॉन्टिनेंटल मास था, मतलब कोई बाउंड्री नहीं था, बस कॉन्टिनेंट का एक क्या था, मास था, और ओशन का एक मास था, यानी कि वन कॉन्टिनेंट वन ओशन, ऐसा ही दिख रहा था। आप इसको ऐसे समझिए, अकॉर्डिंग टू द वैगनर ऑल द कॉन्टिनेंट फॉर्म्ड अ सिंगल कॉन्टिनेंटल मास एंड मेगा ओशन सराउंडेड द सेम। द सुपर कॉन्टिनेंट वॉज नेम पेंगे, विच मीन ऑल द अर्थ। द मेगा ओशन वॉज कॉल्ड पेंथलासा, मीनिंग ऑल वाटर। इन हिज थ्योरी वैगनर अर्ज दैट अराउंड 200 मिलियन ईयर अगो द सुपर कॉन्टिनेंट पेंगे बिगन टू स्प्लिट। ओके, पेंगे फर्स्ट ब्रोक इंटू टू लार्ज कॉन्टिनेंटल मास एज लॉरेशिया एंड गोंडवाना, फॉर्मिंग द नॉर्दर्न एंड साउदर्न बाउंड्री कंपोनेंट रेस्पेक्टिवली। सब्सक्वेंटली लॉरेशिया एंड गोंडवाना कंटिन्यू टू ब्रेक इंटू वेरियस स्मॉलर कॉन्टिनेंट दैट एग्जिस्ट टूडे। अ वेराइटी ऑफ एविडेंस वॉज ऑफर्ड इन द सपोर्ट ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। आप इसको ऐसे समझिए, ये वैगनर साहब जो थे, इन्होंने ये कहा कि पहले क्या था, पेंगे था और पेंथलासा था। पेंगे का मतलब ये हो गया कि ऑल कॉन्टिनेंट, मतलब जो कॉन्टिनेंट का पार्ट है उसको पेंगे कह रहे हैं। यहाँ फिगर में भी देख पा रहे होंगे कि ये जो ब्लू कलर का राइट साइड में आपको फिगर दिख रहा है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये पेंगे का दिख रहा है ना, ये फर्स्ट वाला जो फिगर है सर्कल में, ये क्या है, पेंगे पेंगे दिख रहा है आपको, कि ये येलो येलो कलर से जो दिख देख पा रहे हैं आप, इसको क्या बोल रहे हैं, ऑल कॉन्टिनेंट पेंगे, है ना? फिर पेंथलासा, पेंथलासा इसके सराउंड जो ओशन वाला पार्ट हो गया उसको पेंथलासा कहा जा रहा है। और ये कहा कि ये जो पेंगे है ये ब्रेक हुआ दो पार्ट में, है ना, तो नॉर्दर्न पार्ट जो है उसको क्या बोल रहे हैं, लॉरेशिया, और साउदर्न पार्ट जो है वो क्या है, गोंडवाना। फिगर टू को आप देखिए, राइट साइड में सेकंड सर्किल आप देखेंगे, तो नॉर्दर्न पार्ट क्या है, लॉरेशिया, एंड साउदर्न पार्ट क्या है, गोंडवाना। फिर ये थर्ड सर्किल में आप देखेंगे तो कुछ अभी के जैसा स्ट्रक्चर, अभी का जो मैप है वो बनना शुरू हुआ, और फोर्थ वाले सर्किल को जब आप नोटिस करेंगे तो अभी का जो मैप है वो आपको दिख पा रहा होगा, है ना? तो ये वैगनर साहब का थ्योरी था जिसको मैंने अभी आपको बताया। अब इसके सपोर्ट में उन्होंने बहुत सारा इविडेंस दिया। इविडेंस ये दिया कि भैया ये जो जिग्स ऑफ फिट है, ये कहा उन्होंने कि द शोर लाइन ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका फेसिंग इच अदर हैविंग अ रिमार्केबल एंड अनमिस्टेकेबल मैच। कहने का मतलब, ये अफ्रीका और साउथ अमेरिका को आप देख लें, तो ईस्टर्न पार्ट ऑफ ईस्टर्न शोर लाइन ऑफ
साउथ अमेरिका एंड वेस्टर्न शोरलाइन ऑफ अफ्रीका, ये कैसा है? जिग्स ऑफ फिट है। अगर दोनों को मिला दिया जाए तो क्या होता है? दोनों मिल जाएगा और बीच में जो है किसी प्रकार का, दोनों को वर्ल्ड मैप में जब आप दोनों को ऑब्जर्व करेंगे, साउथ अमेरिका के मैप को ऑब्जर्व करेंगे और अफ्रीका के मैप को ऑब्जर्व करेंगे, तो साउथ अमेरिका का ईस्टर्न पार्ट और अफ्रीका का वेस्टर्न पार्ट आप ऑब्जर्व करना है ना, तब आप समझ पाएंगे कि जिग्स ऑफ फिट जो है, यानी कि दोनों को अगर मिला दिया जाए तो दोनों जुट जाएगा एक तरीके। तो ये पहला जो है सब अपने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के सपोर्ट में पहला जो है ये एविडेंस दिया कि नहीं भैया ये बात सही है कि पहले जो कॉन्टिनेंट थे वो एक ही मास था, है ना, ये डिवाइडेड नहीं था। अब दूसरा ये दिया एविडेंस में, दूसरा ये दिया कि रॉक ऑफ सेम एज अक्रॉस द ओशन। इसमें ये बोला कि द रेडियोमेटिक डेटिंग मेथड डेवलप इन द रिसेंट पीरियड हैव फैसिलिटेटेड कोरिलेटिंग द रॉक फॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट कॉन्टिनेंट अक्रॉस द वास्ट ओशन। द बेल्ट ऑफ एंशियंट रॉक्स ऑफ 2000 मिलियन ईयर फ्रॉम ब्राजील कोस्ट मैचेस विथ फ्रॉम द वेस्टर्न अफ्रीका कोस्ट, है ना। अब देखिए इसमें ये बोला कि रॉक्स जो हैं कहाँ के, ब्राजील के कोस्ट के। ब्राजील कहाँ है? ब्राजील साउथ अमेरिका में दिखेगा आपको, ईस्टर्न पार्ट में। वहां का जो ब्राजील का ईस्टर्न पार्ट का जो रॉक है, शोर लाइन का रॉक जो है, और अफ्रीका के वेस्टर्न पार्ट का जो रॉक है, दोनों लगभग कैसे हैं? एक जैसे। कहने का मतलब ये है कि जब स्प्लिट होकर दोनों अलग हो गए तो क्या है, ये कैसे पता चल रहा है? ये एविडेंस में दे रहे हैं कि भैया दोनों का शोर लाइन जो है, वहां पर जो रॉक पाए जाते हैं वो लगभग एक ही जैसे हैं, है ना। तो ये सेकंड एविडेंस में दिया। और थर्ड एविडेंस क्या कह रहे हैं? थर्ड एविडेंस इज बेसिकली रिलेटेड टू टीलाइट। टीलाइट क्या होता है? टीलाइट इज बेसिकली सेडिमेंट्री रॉक। टीलाइट जब कोई बोल रहा है तो आपको क्या समझना है, ये सेडिमेंट्री रॉक के बारे में बोल रहा है, फॉर्म आउट ऑफ डिपॉजिट ऑफ ग्लेशियर्स, है ना। द गोंडवाना सिस्टम ऑफ सेडिमेंट फ्रॉम इंडिया इज नोन टू हैव इट्स काउंटर पार्ट इन सिक्स डिफरेंट लैंड मासेस ऑफ द साउदर्न हेमिस्फेयर, है ना। तो ये टिलाइट के बारे में था। फिर प्लेसर डिपॉजिट, द अकरेंस ऑफ द रिच प्लेसर डिपॉजिट ऑफ गोल्ड इन घाना कोस्ट एंड द एब्सोल्यूट एब्सेंस ऑफ सोर्स रॉक इन द रीजन इज एन अमेजिंग फैक्ट। घाना कोस्ट में जब आप देखेंगे, घाना इज बेसिकली अ कंट्री इन अफ्रीका, है ना, तो वहां पर कोस्ट में क्या होता है, सोना बहुत, उनके किनारों पर घाना कोस्ट में क्या है, सोना बहुत पाया जाता है, लेकिन जो सोर्स रॉक होता है गोल्ड माइनिंग करने के लिए, वो रॉक वहां पर एब्सेंस है। तो कहने का ये अमेजिंग फैक्ट भी है, और कहने का मतलब ये हुआ कि जब स्प्लिट हुएंगे तो रॉक वाला पार्ट क्या हो गया होगा, अलग हो गया होगा। और थोड़ा बहुत, द गोल्ड बियरिंग वेंस आर इन ब्राजील एंड इट इज ऑब्वियस दैट द गोल्ड डिपॉजिट ऑफ द घाना आर डेराइव फ्रॉम द ब्राजील प्लेटू वेन द टू कॉन्टिनेंट ले साइड बाय साइड। कहने का मतलब यह है कि जब दोनों अलग हो गए तो ये जो रॉक्स वाला पार्ट था ब्राजील पहुंच गया, और कुछ थोड़ा बहुत जो है वहां पर घाना में रह गया होगा, लेकिन वहां पर रॉक नहीं मिल रहा है, घाना में क्या मिल रहा है, जो सोर्स होता है, सोर्स ऑफ मिनरल रॉक, आप ये कह सकते हैं कि ओर जो है गोल्ड ओर, तो वहाँ गोल्ड जो है इजीली एक्सेसिबल है, घाना में मिल जाता है, मतलब वहाँ पर रॉक तो एब्सेंस है लेकिन गोल्ड मिलेगा। ब्राजील के कोस्ट में दोनों मिलता है, रॉक भी मिलेगा और गोल्ड भी मिलेगा, है ना। एंड लास्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स। व्हेन आइडेंटिकल स्पेसिस ऑफ प्लैनेट प्लैनेट सॉरी आइडेंटिकल स्पेसिस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल अडेप्ट टू लिविंग ऑन लैंड और इन फ्रेश वाटर आर फाउंड ऑन इधर साइड ऑफ द मरीन बैरियर्स। अ प्रॉब्लम अराइजेज रिगार्डिंग द अकाउंट फॉर सच डिस्ट्रीब्यूशन। द ऑब्जर्वेशन दैट लेमुर अकर इन इंडिया मेडागास्कर अफ्रीका लेड सम टू कंसिडर कॉन्टिन्यूस लैंड मासेस। ओके, इसको आप ऐसे समझिए, थोड़ा इजी वे में मैं आपको समझाता हूँ, कि ये जो लास्ट वन है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में, कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स जो है, इसमें
क्या कहने का कोशिश किया गया है कि यदि समुद्री अवरोधक के दोनों विपरीत किनारों पर जल व स्थल में पाए जाने वाले पौधों व जंतुओं की समान प्रजातियां पाई जाए तो उनके विवरण की व्याख्या में समस्याएं उत्पन्न होती। इस प्रक्षेपण से लैमूर भारत, मेडागास्कर व अफ्रीका में मिलते हैं। कुछ वैज्ञानिक इन तीनों स्थलों को जोड़कर एक सतत स्थल खंड लैमूर की उपस्थिति का स्वीकार मेसोसारस नाम के छोटे रेंगने वाले जीव केवल उतले खारे पानी में ही रह सकते थे। इनकी अवस्थियां केवल दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी केप प्रांत व ब्राजील में मिलते हैं। ये दोनों स्थल आज एक दूसरे से 4,800 किलोमीटर दूरी पर हैं। इनके बीच एक महासागर विद्यमान है ना। तो ये कहने का उद्देश्य ये है इनका कि जीवाश्म यानी कि फॉसिल्स जो पाए गए हैं यहाँ पर वो लगभग लगभग समान है, लेकिन दोनों के अभी वर्तमान में दोनों के बीच की जो दूरी है वो लगभग कितना हो गया, 4,800 किलोमीटर के आसपास हो गया है। सो दीज आर द थिंग्स अबाउट कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। अगर आपको इसमें कहीं भी कोई परेशानी है तो आप अभी तुरंत पूछें, मैं आपके डाउट को क्लियर करूंगा। If you guys have any problem regarding continental drift theory, please ask me. सर ये सुपर कॉन्टिनेंट टूटा कैसे और ये फैल क्यों रहा है? सुपर कॉन्टिनेंट टूटा कैसे और ये फैल क्यों रहा है? देखिए, जब आप प्लेट तो इसमें डिफरेंट, अभी के लिए मैं आपको बताता हूँ कि मेंटल जो होता है क्रस्ट, मेंटल कोर, मेंटल जो है यहाँ पर एक कन्वेक्शन जोन होता है ना, यहाँ पर जो है रेडिएशन इमिट करते हैं ना, बहुत हीट है तो हीट इवॉल्व भी होगा ना, समझ रहे हो बात? हीट इवॉल्व भी होगा, बहुत प्रेशर है तो क्या होता है कि आपका जो क्रस्ट है वो तो बहुत सारे पार्ट्स में, ये मॉडर्न थ्योरी की बात है, ये मॉडर्न थ्योरी की बात है, कैसे अलग हो गया, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या होता है, प्लेट्स में डिवाइड है ना, और मेंटल जो है आपका उसमें क्या है, मैग्मा पाया जाता है जो क्या है बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, और बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होने के वजह से क्या होता है, प्लेट ऊपर के जो प्लेट्स हैं क्रस्ट एरिया के वो क्या करते हैं, मूव करते हैं, है ना। तो बेसिकली ये रीजन है प्लेट्स के विभाजन का। आपको पता है कि मैग्मा क्या होता है, मैग्मा आना, हाँ, देयर इज द इंटरनल फोर्स विच प्रोपेल्स, है ना, जो काम कर रहा होता है कि क्रस्ट में जो चेंजेस हो रहे हैं उसके लिए, आप इसको अंतर जनित बल भी बोलते हैं और बाह्य जनित बल भी बोला जाता है। तो अंतर जनित बल में ये कंसिडर कर सकते हैं आपकी ये जो है इंडोजेनिक फोर्स और एक्सोजेनिक फोर्स। तो इंडोजेनिक फोर्स में ही ये मेंटल वाला जो एग्जांपल बताया आपको, ये इंडोजेनिक फोर्स है ना। एक्सोजेनिक क्या होगा सर? एक्सोजेनिक फोर्स इज बेसिकली जो क्रस्ट एरिया पर आपको दिखता है, एक्सोजेनिक फोर्स में आपको दिखेगा कि विंड के माध्यम से, है ना, हवाओं के, जो आप इन्वायरमेंट जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो एनवायरनमेंट है वो लगभग लगभग 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही है, और यहीं पर सब घटना आपको दिखेगा, बारिश, ठंडा, तूफान, आंधी, सब यहीं तक दिखेगा। इसके 18 मीटर के ऊपर जो है आपको नहीं दिखे, 18 किलोमीटर के ऊपर आपको कुछ नहीं दिखने वाला, वो एकदम शांत वातावरण होता है, हवाई जहाज के उड़ने के लिए बहुत ही आदर्श स्थिति। तो एक्सोजेनिक प्रोसेस जो सरफेस पर है और इंडोजेनिक प्रोसेस जो क्रस्ट के अंदर चल रहा होता है ना, ये बात। तो टूटने का बेसिकली ये रीजन रहा होगा, लेकिन ये अल्फ्रेड वैगनर ने ये बात नहीं बताया था उस समय, है ना। तो पोस्ट ड्रिफ्ट स्टडीज में ये सब बात पता चला, है ना। तो आज के लिए बेसिकली यहीं पर हम लोग रखते हैं कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट था क्या, इसमें आप सीख पाए कि मैचिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स है, रॉक ऑफ सेम एज अक्रॉस द ओशन, टीलाइट क्या होते हैं, प्लेसर डिपॉजिट क्या है, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स। अगर अभी भी कहीं दिक्कत है तो मैं हिंदी में बताऊंगा, आप पूछिए।